कुल्लू में बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर के खिलाफ कुल्लू पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। जिला कुल्लू कांग्रेस भी अब कुल्लू पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कुल्लू कांग्रेस द्वारा ढालपुर में इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कुल्लू में बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर के खिलाफ कुल्लू पुलिस द्वारा दर्ज मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर के समर्थन में कुल्लू कांग्रेस भी उतर आई है। कुल्लू कांग्रेस ने ढालपुर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कुल्लू कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एसपी कुल्लू के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और एसपी कुल्लू को बदलने की मांग की गई। इस दौरान उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा गया। इस धरने में कुल्लू सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पुलिस को आम जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ही जनता पर झूठे मामले दर्ज कर रही है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कुल्लू एसपी को अपनी सुरक्षा के लिए अपने कार्यालय का गेट भी बंद करना पड़ रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता चुनेश्वर ठाकुर ने कोरोना काल में पंचायत की बातों को लेकर एसपी कुल्लू के समक्ष कुछ जानकारी रखी थी, लेकिन उस समय भी एसपी कुल्लू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि एसपी कुल्लू बदले की भावना से चुनेश्वर ठाकुर पर झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं, जिसे देवभूमि की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक सुंदर सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार व मानवाधिकार आयोग में भी अधिवक्ताओं द्वारा शिकायत की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि पुलिस अधीक्षक को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। वो बात कुल्लू में जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है चुनेश्वर ठाकुर जी को मात्र इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि एक प्रधान के नाते जब वो कोविड के केस को गांव में भेज रहे थे तो उन्होंने एसपी से सवाल किए थे, तो एसपी ने उनकी बेइज्जती करके कार्यालय से बाहर निकाला था। उस वक्त भी माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो तत्पर रहते हैं, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उन्होंने क्या जुर्म कर दिया था। हम मानते हैं कि वो कहीं शादी से आए, उन्होंने माना कि उन्हें शराब पी रखी थी, लेकिन उसका तो एक सिंपल ये था कि उनके चलान होता, उन पे जुर्माना होता, लेकिन ऐसी क्या कारण बने कि उनके ऊपर एक एफआईआर नहीं, दो दो एफआईआर की गई। एक जैसे उग्रवादी को पकड़ा जाता है वैसे उनके साथ बिहेव किया गया, और तो और उन्होंने महिला पुलिस इंस्पेक्टर को एसपी ने दबाव बनाया कि वो वरिष्ठ नागरिक, जो वरिष्ठ हमारे वकील है, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस बनाया गया। आज के दिन में कुल्लू में जो पर्यटन बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे माताएं बहनें हनीमून कपल्स बाहर से आते हैं, पर्यटक बहुत सारे आते हैं, और कुल्लू तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे महिलाओं को बहुत, जहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की महानाटी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाया है। तो आप सोचो कि यहाँ महिला मान सम्मान के लिए कितने बड़े बड़े काम होते रहते हैं। ऐसी जगह पे एक महिला जाति को हथियार बनाकर महिला उत्पीड़न का मामला बनाया गया, और वो भी जो है न्यायालय को भी गुमराह किया गया। एक ही जुर्म में दो दो केसेस बनाए गए। देखिए, ये कोई उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है कि ये जहाँ से आते हैं वहीं की मानसिकता हमारे पे थोपे। आज मैं बताने में गुरेज नहीं करूँगा कि मिस्टर एसपी, आपने यहाँ के लोकल नौजवानों को बहुत तंग किया है, आप यहाँ पे लोकल लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, आप बहु रुपये का बेश धर के आप कई लोगों के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत अब लोगों को ये पता चल चुकी है कि आप सच में बहु रुपये हो। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।